तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं एक नया डिफरेंस जो कि है पर्सनल पावर और पोजिशनल पावर, ठीक है ना। इससे रिलेटेड ये बहुत प्यारा सा डिफरेंस है, ठीक है। हमने एक अथॉरिटी और एक पावर वाला डिफरेंस भी किया था, ठीक है, लगभग उससे मिलता जुलता ही ये डिफरेंस है, क्लियर है। तो यहाँ पे आपके पास है पर्सनल पावर और इस तरफ है आपकी पोजिशनल पावर, क्लियर हो गया। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे डेफिनेशन से। डेफिनेशन में लिखा हुआ है इट इज द पावर एंड कैपेबिलिटी, ठीक है, ये पावर की बात कर रहा है, कैपेबिलिटी की बात कर रहा है, क्षमता की बात कर रहा है, योग्यता की बात कर रहा है, दैट अ लीडर होल्ड्स विद इन हिमसेल्फ, यानी जो किसी लीडर के अंदर एक ऐसी पावर होती है जिससे वो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, दूसरों को अपने अकॉर्डिंग अपनी बातों में ढाल सकता है, वो आपकी होती है पर्सनल पावर, क्लियर हो गया। तो पर्सनल पावर इज द इट इज द पावर एंड कैपेबिलिटी, इट इज द पावर एंड कैपेबिलिटी दैट अ लीडर होल्ड्स, क्या लिखा है, विद इन हिमसेल्फ, यानी खुद के अंदर। जबकि पोजिशनल पावर की अगर हम बात करें तो लिखा है इट इज द पावर, ये वो पावर होती है दैट अ लीडर कैन एक्सरसाइज ड्यू टू हिज पोजिशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन में जो उसकी पोजिशन होती है ना, औहदा होता है ना, उसके कारण जो पावर मिलती है उसको कहते हैं पोजिशनल पावर। यानी कोई पोजिशन मिली है, कोई औहदा मिला है, ठीक है ना। तो जो आपको जैसे आपको मैंने बना दिया, मैंने आपको मान लो यहाँ का मैनेजर बना दिया, तो मैनेजर बनाने के कारण आपको कुछ पावर्स मिली होगी, उसको बोलते हैं आप पोजिशनल पावर, क्लियर हो गया। तो पर्सनल पावर जो खुद के अंदर होती है और पोजिशनल पावर जो कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई औहदा मिलने के कारण होती है, कोई पोजिशन मिलने के कारण होती है, क्लियर हो गया पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर टू, सोशल स्किल की अगर हम बात करें तो पर्सनल पावर डिपेंड्स टू अ लार्ज एक्सटेंट, यानी मेनली ये डिपेंड होता है किस पे, पर्सनल एंड सोशल स्किल पे। तो पर्सनल पावर डिपेंड्स टू अ लार्ज एक्सटेंट, यानी ये डिपेंड करता है किस पे, पर्सनल एंड सोशल स्किल ऑफ द लीडर्स। लीडर्स की जो पर्सनल और जो सोशल स्किल होती है उसके ऊपर काफी हद तक ये डिपेंड करता है। इसका मतलब यहाँ पे मोर पर्सनल एंड सोशल स्किल की बात होती है, क्या होती है, मोर पर्सनल एंड सोशल स्किल की बात होती है। जबकि अगर यहाँ पे बात करें पोजिशनल पावर इज नॉट बेस्ड ऑन, ये बेस्ड नहीं होता किसके, पर्सनल एंड सोशल स्किल ऑफ द लीडर। यानी इसके अगर बात करूँ तो यहाँ पे फ्यूअर, यानी बहुत रेयर, बहुत कम ही पर्सनल और सोशल स्किल की बात की जाती है। तो पहले दो पॉइंट को अच्छे से समझ लो, पहले दो पॉइंट में ही मेन वो है, बाकी सब आसान है। पहला पॉइंट मैंने बोला पर्सनल पावर, ये इट इज द पावर, ये वो पावर होती है, वो कैपेबिलिटी होती है जो लीडर के अंदर होती है, विद इन हिमसेल्फ वर्ड यूज हो रहा है, ठीक है ना। दूसरी बात करें पोजिशनल की, तो ये वो पावर होती है जो लीडर एक्सरसाइज करता है क्योंकि उसको पोजिशन मिली है, किसमें, ऑर्गेनाइजेशन में कोई पोजिशन मिली है उसके कारण होता है। पॉइंट नंबर टू, सोशल स्किल की बात करें तो यहाँ पे पर्सनल एंड सोशल स्किल की बात होती है, यानी क्या लिखा है, पर्सनल पावर डिपेंड करती है किसके ऊपर, टू अ लार्ज एक्सटेंट, किसके ऊपर, पर्सनल और सोशल स्किल के ऊपर डिपेंड करती है, बट ये डिपेंड नहीं करती है, बहुत रेयर, मतलब बहुत कम डिपेंड करती है उसके ऊपर, क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर थर्ड, नेचर की बात करें तो ये फॉर्मल और इनफॉर्मल कुछ भी हो सकता है, ये पावर आपकी फॉर्मल और इनफॉर्मल कुछ भी हो सकती है, मेनली ये इनफॉर्मल होती है। मेनली क्या होती है, पर्सनल पावर हमेशा इनफॉर्मल इन नेचर होती है, बट ये कभी कभी फॉर्मल भी हो जाती है, ठीक है ना। ये हमेशा फॉर्मल रहेगा क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी चीजें होती है वो प्रॉपर रूल्स के अकॉर्डिंग होती है, तो जो प्रॉपर रूल्स के अकॉर्डिंग हो, नियम कानून के अकॉर्डिंग हो, तो फॉर्मल देखने को मिलेगी, क्लियर हो गया। अटेंड बाय, तो इट इज अटेंड थ्रू फॉलोवर्स, यानी जो लीडर, यानी जो आप किसी को लीडर बना रहे हो, या पर्सनल पावर अगर आपके अंदर आ रही है ना, क्योंकि आपके पीछे फॉलोवर है, बस है ना, तो फॉलोवर्स के कारण ये अटेंड की जाती है पर्सनल पावर, जबकि ये अटेंड की जाती है पोजीशन, ऑफिस में जो पोजीशन मिलती है ना उसके कारण ये अटेंड होती है। अच्छे समझ में आ रहा है, चलो। डिपेंड्स ऑन, इट डिपेंड्स ऑन इंटरनल फैक्टर, ये किसके ऊपर डिपेंड है, इंटरनल फैक्टर पे, और ये डिपेंड करता है किसके, एक्सटर्नल फैक्टर्स पे, ठीक है, ये डिपेंड करता है इंटरनल फैक्टर्स पे, ये डिपेंड करता है एक्सटर्नल फैक्टर्स पे, सच एज नॉलेज एंड एक्सपर्टीज, आपके अंदर क्या नॉलेज है, आपके पास एक्सपर्टीज क्या है, ठीक है ना, एंड इज बेस्ड अपॉन इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग, और आपकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल क्या है, बस है। तो पर्सनल पावर आपकी नॉलेज की बात कर रहा है, आपकी एक्सपर्टीज की बात कर रहा है, आपकी अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा है, जिससे आप दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, बात समझा गया। जबकि ये एक्सटर्नल फैक्टर से डिपेंड करता है, सच एज पोजिशन एंड ऑफिस, यानी आपको ऑफिस और पोजिशन क्या है, आपका ऑफिस आपको क्या मिला है, आपका उसका पोजिशन क्या है, और इज बेस्ड अपॉन सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। सुपीरियर मतलब हो गया ऊपर लेवल वाला मैनेजमेंट, यानी ऊपर टॉप लेवल जिस बोल लो, मतलब आपका कोई हेड वो सुपीरियर हो गया, उसके जो नीचे होता है एम्प्लॉय वो होता है सबॉर्डिनेट, यानी जो बड़े लेवल पे होता है उसको सुपीरियर बोलते हैं, जो नीचे लेवल वाला बंदा होता है उसको सबॉर्डिनेट बोलते हैं। तो ये सुपीरियर सबॉर्डिनेट के रिलेशनशिप के कारण होता है। अब आपको मैंने भी मैनेजर बनाया था, तो आपको मैंने मान लो बच्चे हैं यहाँ पे, उनके ऊपर एक मतलब जो हमारा
स्कूल है, मान लो स्कूल के अंदर बच्चे हैं, बच्चों में मैंने आपको मैनेजर बना, स्कूल का मैनेजर बना रखा आपको, है ना, या मैनेजिंग डायरेक्टर बना रखा, तो आपको एक ऐसा ओहदा दे दिया जिसमें आप ऑर्डर ऑर्डर दे सकते हो, है ना, ऑर्डर कमांड डिसीजंस एंड ऑल सब कर सकते हो ना। तो ये सुपीरियर सबॉर्डिनेट के रिलेशनशिप के कारण होता है, और ये आपका जो होता है ये नॉलेज एक्सपर्टीज या फिर जो अंडरस्टैंडिंग है ना उसके कारण होता है। क्लियर हो गया। देन उसके बाद परमानेंस की बात करें तो इट इज परमानेंट। अगर पर्सनल पावर है आपके अंदर तो ये परमानेंट इन नेचर देखने को मिलेगी, ठीक है, इसको आप वापस नहीं ले सकते भाई। आपके अंदर जो जो कला है, जो तरीका है ना, वो आपकी अपनी है, इसको वापस नहीं दिया जा सकता, परमानेंट इन नेचर में देखने को मिलेगा। ये नॉट परमानेंट है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जैसे आपको मैनेजर, मैंने आपको मैनेजर पद से हटाया, आपकी पावर गई, फिर आपको कौन पूछेगा, है ना। तो ये परमानेंट नहीं होता, ये परमानेंट होता है। क्लियर हो गया। एंट्रस्टिंग, एंट्रस्टिंग मतलब देना, तो ये दिया नहीं जाता, कभी भी याद रखना। पर्सनल पावर खुद के अंदर पैदा होती है, गिवन नहीं होती। तो इट इज नॉट गिवन रेदर देन लीडर ऑलरेडी हैज इट, यानी लीडर के पास ऑलरेडी ये पावर होती है। जबकि अगर हम वहां पे बात करें तो इट इज गिवन, यानी ये दिया जाता है किसको, टू द लीडर्स बाय अदर, यानी दूसरों के द्वारा लीडर्स को ये पावर दी जाती है। जैसे मान लो मैंने आपको एक ओहदा दिया, तभी तो आप मैनेजर बने ना, तो ये दूसरों के द्वारा दिया जाएगा पोजिशनल। अब पर्सनल जो होती है दी नहीं जाती है, खुद से ही क्या होती है, लीडर के अंदर पैदा होती है, उत्पन्न होती है। अब लास्ट पॉइंट देखो उसका क्या लिखा है। लास्ट पॉइंट है कोनोटेशन। कोनोटेशन मतलब होता है इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, इसका अर्थ, अर्थ की बात करें तो इसका जो है ना पॉजिटिव कोनोटेशन की बात करते हैं। इट टेंड्स टू हैव अ पॉजिटिव कोनोटेशन, यानी इसका सकारात्मक अर्थ हो सकता है, सकारात्मक प्रभाव हो सकता है, ठीक है ना। इसका जो प्रभाव है वो कैसा रहता है, सकारात्मक रहता है, इसका नकारात्मक रहता है, ठीक है ना। ऐसा क्यों बोला, इसको नकारात्मक क्यों बोला गया, देखो जब भी पोजिशनल पावर आपको दी जाती है ना, तो उस पोजीशन को मेंटेन करने के लिए या उस पोजीशन का आप क्या करते हो, गलत तरीके से फायदा उठाते हो, ताकि रूल करने के लिए उस पोजीशन का अब्यूज करना, ठीक है ना, ओवर यूज करना, ठीक है ना, घर के काम भी निकाल लो उसी से, या फिर अपने आपको ज्यादा समझ रहे हो, ठीक है। तो जब पोजिशनल पावर दी जाती है ना, तो बंदे के अंदर घमंड आ जाता है, तो इसका नेगेटिव कोनोटेशन है, नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है, नेगेटिव इसका नकारात्मक अर्थ लगाया जा सकता है। बट इसकी अगर हम बात करें तो ये पॉजिटिव वे में ही देखा जाता है। अगर आपके अंदर कोई पावर एंड ऑल है, तो हम ये मानेंगे, पहली बात तो आपको किसी ने दी नहीं है, ये खुद से बिल्ड आपने किया है, तो कुछ अच्छे पर्पज के लिए की होगी, कुछ सोच समझ के की होगी, तो ये पॉजिटिव वे में पढ़ा जाता है। इसको पॉजिटिव कॉनोटेशन, को पॉजिटिव इंपैक्ट रहता है, सकारात्मक अर्थ रहता है, इसका नकारात्मक अर्थ रहता है इसका। क्लियर हो गया। तो ये आपको डेफिनेशन समझ में, डेफिनेशन से लेकर के ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। मैंने काफी पॉइंट आपको कराए हैं, 2, 4, 6, 8 पॉइंट है। देखो मैं हर डिफरेंस में तकरीबन मुझे जहां तक याद है 6 से लेकर 8 पॉइंट तो मैं आपको कराता हूँ, तो काफी अच्छा खासा कंटेंट मिल जाता है। अगर कभी भी आप MBA लेवल, MCOM लेवल, कोई सा भी लेवल पर आप अगर पढ़ रहे हो और ये सब चीजें आ रही हो ना, तो डिफरेंस मैंने इतने सारे बना रखे, मैं कंटिन्यूसली बनाता रहूंगा, जैसे मुझे मिलते हैं डिफरेंस मैं हमेशा बनाता हूं। आप अगर डिफरेंस सेक्शन देखोगे तो तकरीबन उसमें 120 प्लस हो गए होंगे, जहां तक 120 डिफरेंसेस मैं डाल चुका हूं और आगे भी मैं डालता रहूंगा जहां तक मुझे लग रहा है अभी तक, ठीक है ना। तो होप्स आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ, ठीक है ना, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।